क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, ये बार ठीक से पढ़िए। 26 को 26 में बोला गया बेटा, अ मैन वांट्स टू कट थ्री लेंथ, है ना, थ्री लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। देखो जैसे उधर बढ़ दो, कोई नहीं, देखो है ना, कोई नहीं, मेरे पास बुक थी, कोई दिक्कत, यहाँ दो, देखो हमारे पास एक बोर्ड है, अ मैन वांट्स टू कट थ्री लेंथ फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। देखो एक ना, मान लो एक लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ मान लो लकड़ी का टुकड़ा है, और इसकी जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर है, लकड़ी का टुकड़ा है, इसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर है, और द सेकेंड लेंथ इज टू बी, अच्छा ना ये हो गया, अ मैन वांट्स टू कट थ्री सिंगल पीस। अब एक आदमी इसकी तीन टुकड़े करना चाहता है और इसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थ्री पीस वगैरह वगैरह, ये कह रहे हैं बेटा। तो एक बार पढ़ोगे सवाल को तो समझ नहीं आएगा। अब यहाँ से देखो आप, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। जो सेकेंड वाली लेंथ है, मतलब इसके तीन टुकड़े कर दिए, इसके तीन टुकड़े कर दिए उसने, तो मान लो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, तीन टुकड़े कर दिए। अब बोला गया है द सेकेंड लेंथ, जो दूसरा वाला टुकड़ा है उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, दूसरे वाले की जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है सबसे छोटे वाले से। तो ये मान के चलो कि जो शॉर्टर है, कि लेट लेंथ है ना, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट है ना, शॉर्टेस्ट पार्ट, तो सबसे छोटे वाले पार्ट की लंबाई को एक्स मान लो, ठीक है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सबसे छोटे वाले को एक्स मान लें, मतलब तीन पार्ट हैं, तो जो सबसे छोटा वाला है उसके उसकी लंबाई एक्स है, तो लेंथ ऑफ सेकेंड, तो लेंथ ऑफ सेकेंड, जो लेंथ ऑफ सेकेंड, तो लेंथ ऑफ सेकेंड ना, तो लेंथ ऑफ सेकेंड इज टू बी 3 सेंटीमीटर, जो सेकेंड वाले की लंबाई है, लेंथ ऑफ सेकेंड, सेकेंड वाले की लंबाई क्या है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, जो सेकेंड लेंथ ऑफ सेकेंड, जो सेकेंड वाले की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 3 मोर देन है ना, 3 मोर देन है, तो लेंथ ऑफ सेकेंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है शॉर्टेस्ट, एक हो गया। तो सबसे छोटे वाले की लंबाई को हमने एक्स मान लिया, और जो कह रहा है कि सेकंड वाले की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा मतलब 3+, तो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर यानी 3+ शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट को मतलब होता है एक्स, शॉर्टेस्ट को हमने एक्स माना है। और आगे से में कह रहा है, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस, जो थर्ड वाला है, तीन है ना थर्ड, तो लेंथ ऑफ थर्ड, लेंथ ऑफ थर्ड, जो थर्ड वाले की लंबाई है थर्ड, तो द सेकेंड है ना, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, जो तीसरे वाले की लंबाई है, तो जो थर्ड वाले की लंबाई है ना, थर्ड वाले की लंबाई है वो ट्वाइस है, थर्ड वाले की लंबाई ट्वाइस है किससे, शॉर्टेस्ट वाले से, है ना, यानी क्या हो गए 2x। बट यहाँ क्या है, हमारे पास तीन है, तो सबसे छोटे वाले की लंबाई को एक्स मान लिया, जो सेकंड वाले लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है छोटे वाले से, और जो तीसरा साइड है वो 2 टाइम्स है ना, तीसरा साइड क्या है, ट्वाइस है सबसे छोटे वाले से, तो 2 × x है ना, ये सबसे छोटा वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये सबसे लंबे वाले की लंबाई होगी, है ना। अब ये कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, यानी जो सबसे छोटा है ना, इसकी लंबाई क्या हो सकती है बताओ, शॉर्टेस्ट बोर्ड, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। अब ये तो हो गया, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, तीन चीज़ तो हो गई ना, अभी जो आगे लास्ट में कंडीशन दे रहे हैं ना, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस बी एट लीस्ट, जो थर्ड वाला पीस है ये
थर्ड पीस एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। मतलब ये कह रहा है कि अगर जो तीसरा वाला पीस है ये दूसरे वाले पीस से कम जो तीसरा वाला पीस है ये हमारे पास है तीसरा वाला, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो कह रहे तीसरा वाला पीस है यानी 2x, वो दूसरे वाले पीस से यानी 3+x से कम कितना कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये है इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए, ये इससे कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए, ये इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल के लिए एक बच्चे ने कहा बेटा, मैंने कहा आपकी एज क्या है, तो बच्चे ने मान लो बच्चे ने कहा भैया मेरी एज 15 साल है, तो बेटा मैंने कहा, तो फिर उसने कहा सर आपकी एज कितनी है, तो बच्चे की एज हो गई, उसने कहा आपकी एज क्या है, मैंने कहा बेटा मेरे और आपके एज के बीच में कम से कम 10 साल का गैप है, तो यानी इसका मतलब मेरे कम से कम 10 मतलब कम से कम 10 साल का गैप तो है ही है, मतलब 10 साल इससे मैं बड़ा तो हूँ ही हूँ, यानी 25 साल का तो मैं हूँ कम से कम है, मेरी एज है ही है, तो क्या इसका मतलब अगर 25 साल एज है तो 24 तो हो नहीं सकते, अगर मेरी एज 24 हो गई तो कितना गैप हो जाएगा दोनों में, 9 साल का गैप हो जाएगा, तो 10 साल का गैप तो होना ही चाहिए, तो मेरी एज 25 है, अच्छा मैंने कहा कम से कम 10 साल का गैप है, तो फिर तो मेरी एज 26 भी तो हो सकती है, अगर 26 साल मेरी एज हो गई तो यहाँ पर दोनों में एक एज में 10 साल का डिफरेंस था, यहाँ कितना डिफरेंस हो गया 11 साल का, तो 11 साल का भी तो हो सकता है भाई, मैंने कहा कम से कम 10 साल का, अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल का डिफरेंस हो थोड़ी ना पता है ना, और सॉरी और भी हो सकता है, यानी जैसे मतलब कितना है ना भाई, मेरी एज 27 भी हो सकती है, मेरी एज 28 भी हो सकती है, मेरी एज 29 भी हो सकती है, मेरी एज 30 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो यानी सर यहाँ दो चीज़ें हैं, यानी जैसे अगर मैं 25 में घटा रहा था 15 तो 10 आ रहा था, यानी कि जो थर्ड वाला पार्ट है और माइनस सेकंड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट माइनस सेकंड वाला पार्ट जो इनको सोल्व कर पाएगा वो कम से कम 10 तो आएगा, मतलब 10 तो आएगा, मतलब 10 के बराबर आएगा, 10 के बराबर, तो बराबर के लिए इक्वल टू लगाते हैं ऐसे, ये जो है ये 10 या उससे ज़्यादा आएगा, तो तीसरा वाले पार्ट जो है, तीसरा पार्ट दूसरे पार्ट से 10 ज़्यादा, कम से कम 10 कह रहे, तो एटलीस्ट मतलब जब भी एटलीस्ट कहा जाता है पाँच बोल रहा हूँ सवाल में पाँच तो पाँच लिखाओ, फिर सवाल में पाँच लिखा था पाँच लिखाओ फिर, ठीक है सर ये हो गया है ना। अब एक एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई, एक इसको सोल्व करिए आप, तो 2x फिर क्या जाएगा माइनस का 3 माइनस का एक्स और ये 5 तो कितना हो गया 3x हो गया, एक्स कितना बचा एक्स माइनस 3 ये 5 इसे वहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा ये 8 ये 8 आ गया ये आ गया 8 ठीक है कि 8 आ गया, एक तो ये आ गया, दूसरा प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, एक तो ये आ गया, दूसरा ये इस पूरे बोर्ड की लंबाई है 91, तो इसके 3 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ये, अब यार अगर हम इन तीनों को जोड़ें, अगर हम तीनों टुकड़ों को जोड़ दें, पहला टुकड़ा प्लस दूसरा टुकड़ा प्लस तीसरा टुकड़ा, तो अगर हम तीनों टुकड़ों को जोड़ दें ना, तो तीनों टुकड़ों को जो जोड़ने पर आएगा वो 91 भी आ सकता है, मतलब पूरे की लंबाई क्या थी 91 थी, तो 91 भी आ सकता है भाई है ना, 91 भी आ सकता है। मान लो कि मेरे पास 10 रुपये थे, मैंने एक बच्चे को 2 रुपये दिए, एक को 3 एक को 5, मैंने कहा बेटा कल मुझे वापस लाना है पैसे, ये मेरे पैसे कल वापस कर देना, ठीक है तो ये 2 + 3 + 5 कितना आएगा जोड़ने पे 10 आएगा। तो अच्छा मोबाइल लटोल ऐसा हो सकता है कि मैंने इनको 2, 3, 5 रुपये 10 सबको 10 दिए, तो कल आके ये 11 हो जाए, 2, 3, 5 इन सबको जोड़ने पे 11 आ जाए, हैं ऐसा हो सकता है,
कि मतलब मैंने 2, 3, 5 दिया तो मतलब आज 10 से तो कल 11 हो जाए, इन तीनों को जोड़ में 11 आ सकता है क्या? नहीं। अच्छा इन तीन मैंने 10 दिए, सबको मैंने बांट दिए, क्या ये 10 से कम आ सकता सम? कैसे भैया कोई आपको कम भी दे सकता है? क्या पता किसी का पैसा कम खो जाए, मैं किसी का पैसा खो जाए तो हो सकता है। मान ली इस बच्चे ने खो दिया 1 रुपये, तो 1 + 3 + 5 कितना आएगा फिर? ये 9 आएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम जो 90 सेंटीमीटर का जो भी लकड़ी है अगर उसको 3 पार्ट में हम काटते हैं ना, तो तीनों को जोड़ने पर या तो पूरा 91 ही आएगा। भाई 91 से ज़्यादा आ नहीं सकता। अब लकड़ी 91 की थी, टुकड़े ही करोगे तो 92 थोड़ा हो जाएगा, तो 91 सेंटीमीटर तो आएगा, उससे कम भी आ सकता है ना। कि जब किसी को तोड़ते हैं तो बीच में मान लो इस कागज इसको फाड़ता हूँ मैं, फिर जोड़ता हूँ थोड़ा सा बीच में कुछ टुकड़ा गायब हो जाता है। तो जब तीनों को दोबारा जोड़ोगे तो 91 भी आ सकता है और उससे कम भी आ सकता है इनका सम। इनका जो सम है ना, ये सम 91 भी आ सकता है, ये जो सम है और 91 से कम भी आ सकता है। क्योंकि अगर एक कपड़ा है उसको फाड़ते हो आप तो बीच में कुछ कपड़ा गायब, जब जोड़ोगे तो बीच में कुछ कपड़ा गायब, अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो कभी कुछ टुकड़ा कागज जब फाड़ते हो ना तो कुछ कागज नीचे गिर जाता है। तो लकड़ी में तो ऐसा होता है जेपी। आप साइंस लगाएंगे तो आप कह रहे हो कैसे पाड़ा क्या पाड़ा है, काटा है ना, क्या बोल डिवाइड किया ना। तो लकड़ी की लंबाई क्या कम आ सकती है क्या? कम नहीं आ सकती क्या? नहीं आ सकती। नहीं आ सकती क्यों? चलो ठीक है ना, आप मलेट कर लो नहीं आ सकती तो है ना। 2x + x क्या हो जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? क्या है 3 कितना है? 4x होगा ना, 4x आएगा प्लस 3 91। ये वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा? 91 - 3। मतलब जेपी एक किसी बर्तन में पानी था और उस पानी को, एक पानी को 3 बर्तन में डालते हो आप, जब 10 लीटर पानी को, और जब दोबारा वापस डालोगे उसी बर्तन में तो सेम आ सकता है। या मतलब डालते टाइम कुछ पानी, थोड़ा बहुत पानी गिर जाए, 1 बूंद गिर जाए, 2 बूंद गिर जाए, ये भी सही करो। लड़का समझ आ रहा है भाई। चलो कितना हो गया? कितना 22 ना। अब ये क्या बोल रहा है? देखो ये कह रहा है क्या, जो लकड़ी की लंबाई होगी ना, जो एक्स है वो लकड़ी की लंबाई है, मतलब सबसे छोटी वाली साइड है, शॉर्टेस्ट है ना। क्या जो सबसे छोटी वाली साइड है ना वो 22 से कम है या उसके बराबर? ये कह रहा है ये एक्स 8 से बड़ा आया ना, यहाँ पर एक्स आया 8 से बड़ा। ये कह रहा है जो सबसे छोटी वाली साइड, वो कह रहा है सबसे छोटी वाली साइड 8 या उससे बड़ी है, और ये कह रहा है सबसे छोटी वाली साइड 22 से छोटी है। मतलब वही है कि जो सबसे छोटे वाले की लंबाई है वो 8 से बड़ी और 22 से छोटी। यानी कुल मिलाकर जो मैं आंसर लिखना चाहूँगा यहाँ पर, ये लिखूँगा क्या कि भैया है ना, जो एक्स है वो 8 से बड़ा है और 22 से छोटा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।